आपने सब कुछ करके देख लिया, दुनिया भर की स्ट्रेटजीज अप्लाई करके देख ली, लेकिन उसके बाद भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग मार्केट को दोष देते हैं। लेकिन जो लेजेंडरी ट्रेडर रह चुके हैं जैसी लिवरमोर, उनका कहना है कि मार्केट में कोई भी बुल साइड नहीं होती, कोई भी बियर साइड नहीं होती, मार्केट में सिर्फ राइट साइड होती है। और उस राइट साइड तक पहुंचना कैसे है ये आज मैं आपको बताऊंगा। आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधारना कैसे है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें बस एक मोमेंटम ही तो कैच करना है, और अगर मोमेंटम सही जगह पे पकड़ लिया तो पैसे बन जाएंगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। आपको पता है जो लेजेंडरी ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जिन भी स्टॉक्स में वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, उन्हें उस स्टॉक का पूरा ट्रेड स्ट्रक्चर पता होता है। मतलब उन्हें पता होता है कि वो स्टॉक जनरली किस लेवल पे मूव करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ टाइम पहले एक स्टॉक था जिसका मुझे पता था कि वो 1400 रुपए से लेके 1800 रुपए के बीच में ही मूव करता है। ये मैं इंट्राडे मूव की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं स्विंग के बारे में आपको बता रहा हूं, लेकिन जनरली मुझे उसका पूरा आइडिया था कि वो इसी प्राइस में मूव करता है। तो अब जब मुझे पता है कि वो इस प्राइस में मूव कर रहा है तो मेरे लिए ट्रेड लेना आसान है। लेकिन फिलहाल जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, और जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद अभी उसकी जो प्राइस है वो 3500 रुपीज के आसपास आ चुकी है। बहुत अच्छा मूव उसमें देखने को मिला था। खैर, कौन सा स्टॉक ये हो सकता है कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके बारे में पता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो आपको उस स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, उसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहीं उसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस तो नहीं हुआ है, उसमें कोई न्यूज तो नहीं है, उस स्टॉक की हिस्ट्री कैसी रही है। और इनके बेसिस पे जब आप डिसीजन लेंगे तब आपका जो ट्रेड स्ट्रक्चर बनेगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपको नुकसान हो रहा है तो मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग ये करते हैं कि आज उन्हें दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो आज इसको बाय कर लिया, कल इसकी प्राइस बढ़ रही है तो इसको बाय कर लिया, इसकी प्राइस गिर रही है तो इसको शॉर्ट कर दिया। तो ऐसे में अगर उस स्टॉक में कोई सडन चेंज आ जाता है तो आप उसमें अपनी बहुत सारी कैपिटल लूज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप नए हैं तो कोशिश कीजिए कि शुरुआत में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही ट्रेड कीजिए, और उनके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन रखिए, उनसे रिलेटेड जो चार्ट्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कीजिए। वैसे यहां पर कॉमेंट करके जरूर बता देना कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। इसके बाद जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं वो है ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करना। अब ये ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज आएगी कि आप कौन से स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। अब जब आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है तो उस स्टॉक को आप कौन सी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप उसमें ट्रेड लेने की सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा कि आपने स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, आपने अपना टारगेट कहां पे लेके चलना है, ये पहले से आपको डिसाइड करके रखना होगा। सेकंड चीज आएगी कि आपको राइट ट्रेडिंग आवर्स कैसे डिसाइड करना है, मतलब आपके हिसाब से कौन से टाइम पर ट्रेड लेना सही होगा। और तीसरा आएगा कि आप एक दिन में टोटल कितना लॉस बियर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बेसिक चीजें आपके ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होंगी और इस हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और वो पनिशमेंट आपका लॉस ही होगा। सिंपल भाषा में कहूं तो ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लूप्रिंट है जिसके रूल्स को फॉलो करके ही आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। अब ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के साथ साथ एक और काम जरूर करना, और वो है एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना। ये मैं हर बार बोलता हूं लेकिन इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में आप उन सारे ट्रेड्स को मेंशन करेंगे जो आपने लिए थे। इससे आपको अपने जो वीक एरियाज हैं उनके बारे में पता चलेगा, और साथ ही आपकी स्ट्रेटजीज में जो कमी है, जो गैप्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जर्नल में यह होता है कि इसमें आप ये भी मेंशन करते हैं कि अगर आपने पहले डिसाइड किया था कि आपका स्टॉप लॉस 80 रुपीज पे होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको मार्केट को देखकर लगा कि नहीं यार मुझे पहले ही बेच देना चाहिए और आपने 85 पर ही स्टॉक को सेल कर दिया, या फिर मार्केट को देखकर आपको लगा कि आपको अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना चाहिए और आपने 80 के स्टॉप लॉस को चेंज करके 70 कर दिया। तो ऐसा आपने क्यों किया है, क्या रीजंस हैं, ये सब चीजें आपके ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन होनी चाहिए। इसी से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, अदरवाइज बार बार सेम गलती करोगे। इसके साथ ही आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मूव को आप लेते हो तो उसके पीछे का जस्टिफिकेशन भी आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने एक स्टॉक को 100 रुपीज पे बाय किया था और वहां पर आपने अपना जो स्टॉप लॉस था वो 80 रुपीज रखा था। ये सिर्फ हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आपको लगा कि आपको अपने स्टॉप लॉस को चेंज करके 75 रुपीज कर देना चाहिए।
तो ऐसा आपने क्यों किया है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये चीज भी आपने अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करनी है। और ऐसा करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ या आपका लॉस बढ़ गया, ये भी आपको मेंशन करना है। इसी से आप अपनी गलतियों को इंप्रूव कर पाएंगे। वैसे अभी तक अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा हमारी वीडियो कभी रिकमेंड ही ना हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब थर्ड रीजन जिसकी वजह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो ये है कि आप एक साथ ही अपना सारा पैसा ट्रेड में लगा देते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो ये गलती नहीं करता हूं, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं तो सिर्फ 10,000 रुपए से ही ट्रेड करता हूं। तो हो सकता है कि आप इस रूल को फॉलो करते हो, अपना सारा पैसा एक ही बार ट्रेड में ना लगाते हो। अगर लगाते हो फिर तो देखो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक ही ट्रेड में आपका सारा पैसा चला जाएगा अगर आपको लॉस हो गया और आपने अपने इमोशनल कंट्रोल को खो दिया। तो सारा पैसा तो एक ट्रेड में लगाना ही नहीं है, और इवन स्पेशली शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो यहां पर भी आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको लॉस होने लग जाता है तो वहां पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि वो एवरेजिंग करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए से ट्रेड लिया है और आपको उसमें 2,000 रुपए का लॉस हो रहा होता है ना, तो आप सोचते हो कि अभी प्राइस गिरी है ना, इसको खरीद लेता हूँ, थोड़ा और ज्यादा खरीद लेते हो, तो अब आप 10,000 रुपए और डाल दोगे। तो पहले जहां आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, अब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है। अब इसके बाद हो सकता है कि अब आपको और ज्यादा लॉस दिखाई देने लग जाए क्योंकि आपकी कैपिटल बड़ी हो चुकी है। तो अब हो सकता है कि आप तीसरी बार गलती कर दें और पहले आपने 20,000 लगाए थे और इस लॉस को एवरेज करने के लिए आपने 20,000 और डाल दिए। तो ऐसे में हो सकता है कि आप जितना भी पैसा बार बार डालें आपको उन सब में लॉस हो जाए। ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपका वो ट्रेड गलत है, और अगर आप उस ट्रेड को बचाने के लिए उसमें और ज्यादा पैसे डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेम गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अपनी गलती को रिपीट नहीं करना है, एक ही ट्रेड में सारी कैपिटल नहीं लगानी है, ना तो डायरेक्टली और ना ही एवरेजिंग करने के चक्कर में। अब जो नेक्स्ट रीजन है ना, इसकी वजह से तो ट्रेडर्स अपना सबसे बड़ा नुकसान करवाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस गलती की वजह से अपना नुकसान करवाया होगा, और वो गलती है पैनिक करना। देखो और समझो, एक ट्रेडर जब पैनिक करता है ना तो वो एक्चुअली उन ट्रेडर्स की हेल्प कर रहा होता है, उनको फायदा पहुंचा रहा होता है जो कि शांत होकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट है ना वो पैनिक ट्रेडर से होकर पेशेंट ट्रेडर के पास जाता है। तो अगर आप पैनिक करेंगे तो आपका प्रॉफिट कहां चला जाएगा, वो उस ट्रेडर के पास जाएगा जो कि पेशेंट है। तो आप पेशेंट होंगे या पैनिक होंगे इसी पे डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रॉफिट आएगा या आपकी जेब से पैसा जाएगा। इसके पीछे रीजन यह है कि जब आप पैनिक करते हैं ना उसी वक्त आप ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती करते हैं। कई बार आप अपनी पोजीशंस को जल्दी कट कर देते हैं, कई बार आप अपने लॉस को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, और समझदारी से जो आपको ट्रेड करना चाहिए था, जो कि आपने अपने ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होना चाहिए था और उसको आपने फॉलो करना चाहिए था, वो कुछ भी आप नहीं करते हैं। और फिर आप समझ लीजिए, अब आप कहेंगे कि मैं तो पैनिक होता नहीं हूं, जब मैं ट्रेड लेके बैठा होता हूं और वहां पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वहां तो कोई भी पैनिक हो जाएगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने पहले से उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रखा होता तब शायद आप कम पैनिक करते और पेशेंट रह पाते। तो आपने हर सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखना है, और वो प्रिपरेशन आपके ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। और ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को आप सही कैसे बना पाएंगे, जब आपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन किया होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। वैसे आपको पैनिक करने की वजह से कितना बड़ा लॉस हुआ है ये कमेंट करके जरूर बताना, ताकि बाकी लोग भी इससे सीख पाए। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं वो है स्ट्रेटजी हॉपिंग। अब ये स्ट्रेटजी हॉपिंग क्या होती है, तो इसका मतलब होता है बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना। लेकिन एक ट्रेडर बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज क्यों करता है, वो ऐसा तब करता है जब उसको लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी स्ट्रेटजी हर टाइप के मार्केट कंडीशंस में काम नहीं करती है। एक स्ट्रेटजी हो सकता है कि बियर मार्केट में काम कर रही हो लेकिन बुलिश मार्केट में काम नहीं कर रही हो और साइडवेज मार्केट में काम नहीं कर रही हो। तो अब जो समझदार ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, वो इस बात को नोटिस कर लेगा कि ये स्ट्रेटजी बियरिश मार्केट में काम करती है, और जब भी मार्केट बियरिश होगा उस टाइम पर वो उस स्ट्रेटजी को यूज करेगा। लेकिन जो बाकी ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि यार कल तो इस स्ट्रेटजी ने काम किया था, आज काम नहीं किया, इसका मतलब स्ट्रेटजी खराब है, अब कोई दूसरी स्ट्रेटजी ढूंढने चलते हैं। फिर दूसरी स्ट्रेटजी मिलेगी, एक दिन देखा ये काम कर रही है तो यूज किया, अगले दिन देखा काम नहीं कर रही है छोड़ दिया, फिर तीसरी स्ट्रेटजी पकड़ ली उसको ट्राई किया, चौथी स्ट्रेटजी पकड़ ली उसको ट्राई कर लिया, मतलब बार बार नई नई स्ट्रेटजीज में घूमते ही रहते हैं। आपने कुछ स्ट्रेटजीज देख लेनी है,
उन स्ट्रेटजीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उन स्ट्रेटजीज में ही काम करना है। बार बार नई स्ट्रेटजी पकड़ोगे ना तो कभी भी ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाओगे, छोड़ दो, इससे बेटर है। वैसे यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि कई बार हो सकता है कि आपको जेन्युइनली स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत हो, लेकिन वहां पर भी ध्यान दीजिए कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस करने से ही वो स्ट्रेटजी और ज्यादा एक्यूरेट हो जाए। तो पूरी तरीके से ही स्ट्रेटजी को चेंज करने की जगह आप अपनी उस स्ट्रेटजी में थोड़े बहुत चेंजेस करके भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से भी आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाएंगे, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहां पर आपको अभी निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है, तो देखिए कल मार्केट में हुआ क्या था। सबसे पहले तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट गिरने लगा और उसके बाद पूरे दिन मार्केट गिरता रहा और एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। अब ऐसे में वो ट्रेडर जिसने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, कोई भी टारगेट माइंड में लेकर नहीं चल रखा होगा और उसने मान लीजिए यहां पर शॉर्ट सेल कर दिया या फिर उसने यहां पर अगर मान लीजिए पुट ऑप्शन बाय किया होगा, तो उसके बाद प्राइस लगातार गिरती गई। और इवन हमारी वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोग बता रहे थे कि उन्होंने 2000 लगाए थे और वो 50,000 हो गए, 60,000 हो गए, 70,000 हो गए। अब देखो उनको फायदा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये जो फायदा है ना ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को भी ऐसे मार्केट में इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ एक तुक्का था। अगर इसकी जगह पे अचानक से मार्केट ऊपर चला जाता तो उनका सारा पैसा डूब सकता था। लेकिन सोचो इतना बड़ा जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है इसके पीछे कोई भी एनालिसिस नहीं था। दूसरा, जिन लोगों को इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है उन्होंने ना तो कोई स्टॉप लॉस लगाया होगा ना तो कोई टारगेट लगाया होगा, लेकिन उनके सामने एक गलत एग्जांपल सेट हो गया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक बड़ा पैसा बनाएंगे। तो अब आज के दिन उन्होंने जो 2000 के 50,000 बनाए होंगे ना, उन्होंने हो सकता है कि उसमें से 20,000, 30,000 या हो सकता है पूरे के पूरे 50,000 से ट्रेड लिया हो, और ट्रेड लेने के बाद अगर मान लीजिए उन्होंने बाय करने का ट्रेड लिया तो यहां तक उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा और उसके बाद देखिए फिर एक लॉस देखने को मिला होगा। तो ऐसे तुक्के जो मार्केट में है वो कभी कभी बढ़ते हैं और मार्केट से जो अच्छा पैसा बनता है वो रेगुलर रूल्स के साथ काम करके बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपने मार्केट में कभी भी ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और जो स्मॉल विंस हैं उनमें ही फोकस करना है। अगर आप ऐसे प्रॉफिट के चक्कर में पड़ोगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े लॉस भी देखने को मिलेंगे, और ज्यादातर दिन तो क्योंकि मार्केट इसी तरीके से मूव करता है तो आपको ज्यादा दिन लॉस देखने को मिलेगा, किसी किसी दिन प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और क्योंकि ज्यादा दिन लॉस हो रहा है किसी किसी दिन प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और एक बहुत बड़ी गलती है वो ये है कि ट्रेडर्स को पता ही नहीं है कि हारना कहां पर है। देखिए जीतना तो सब जानते हैं लेकिन हारना भी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हार कर जीतने वाले को ही तो ट्रेडर कहते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको लॉस होगा, वो तो होना ही है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है लॉस। और अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं ना तो आपको लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि लॉस ना दो तरीके के होते हैं, एक वो लॉस होता है जो कि मार्केट की गलती से हुआ है। अगर मार्केट की गलती से कोई लॉस हो रहा है, मार्केट ने कोई अनएक्सपेक्टेड मूव ले लिया उस वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो वो लॉस उतना हार्मफुल नहीं है, तो इसको हम गुड लॉस कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉस आपकी गलती की वजह से हो रहा है, आपने स्ट्रेटजी को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया इस वजह से हो रहा है, आपने स्टॉप लॉस को बार बार चेंज किया इस वजह से हो रहा है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाए, आपने पैनिक किया उस वजह से गलत डिसीजन लिया इस वजह से हो रहा है, तो फिर ये जो लॉस हो रहा है ये एक बैड लॉस है और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। आपका पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो और कम लॉस हो ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सके। तो आप इनमें से कौन कौन से रूल को फॉलो कर रहे थे यह हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।